दलिया से बनी हुई आपने अलग अलग बहुत सारी रेसिपी खाई होगी। मैं आपके साथ आज 4 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्दी और फटाफट से बनने वाली है, बिल्कुल टाइम नहीं लगती है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे तो आपकी सारी रेसिपी बहुत जल्दी सी बन जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, मेरे चैनल द परफेक्ट जायका में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। तो फर्स्ट वाली रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने लिया है बादाम और थोड़ा सा खसखस, जिसे मैंने सोक्ड पहले से नहीं किया था। अभी मैंने इसमें इसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में डिप करके छोड़ दिया था, तो दोनों काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अगर आप 5-6 घंटे के लिए फुला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप भूल जाएँ और उसे बनाना हो तो आप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए इसको डालकर ढककर छोड़ दें, बहुत आसानी से फूल जाती है। और खसखस जो मैंने लिया है 2 चम्मच लिया है। बादाम के दाने आप देख रहे हैं मैंने कितने सारे डाले हुए हैं, और ये मैं खसखस दिखा रही हूँ जिसे हम लोग को बोलते हैं पोस्ता दाना, मेरे यहाँ बोली जाती है, तो वो मैंने डाला है 2 से 2.5 चम्मच। तो फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग देख लें कितनी क्वान्टिटी में डालनी है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो इससे रेसिपी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसे क्या करना है कि बस इसको इसके पानी को पानी के साथ ही आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से पीस लेना है। अगर पानी के साथ पीसना नहीं चाहते हैं तो आप इसको पानी को ड्रेन कर दें, और उसके बाद लेकिन पॉपी सीड के पानी को नहीं फेंकिएगा, बादाम के पानी को फेंक दीजिए, पर पॉपी सीड का पानी वैसे ही रहेगा, उसी पानी में आपको पीसना है। और मैंने सभी बादाम को अच्छे से छील लिया है, देखिए काफ़ी आसानी से छिल गई है। चलिए अब ग्राइंडर के पास आ जाती हूँ। तो ग्राइंडर मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने बादाम लिया है, पॉपी सीड के पानी को मैंने ड्रेन कर लिया था, उसे भी मैं डालूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल दूंगी, दूध और पानी मिक्स करके मैं डालूंगी। वैसे आप चाहें तो पानी की जगह सिर्फ दूध का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉपी सीड में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, तो उसके पानी के साथ ही मैंने पीसा हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया दलिया, ये गेहूं दाने से बना हुआ है। वैसे तो बाजार में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप इसको घर में भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं। क्या करना है कि आपको गेहूं के दाने को अच्छे से चुन पटक लेना है, अच्छे से चुन लेना है, उसको धुलकर अच्छे से सुखा लेना है, एकदम उसको अच्छे से सुखा लेना है, मतलब कड़ा धूप में। अभी धूप भी काफ़ी तीखी हो रही है, अभी भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं बनाकर। अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद सूखा हुआ ग्राइंडर लीजिए और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालिए, इस तरह का दरदरा अच्छा सा दानादार बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप घर में भी इसे आसानी से बना सकते हैं, इसे बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बादाम और जो खसखस लिया था उसका पेस्ट मैंने पतला पतला सा तैयार किया है, क्योंकि मैंने दूध पानी दोनों को मिक्स किया था, और बहुत अच्छे से इसकी फाइन सी पेस्ट तैयार हो गई, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चली जाए। तो मैंने लिए यहाँ पर कढ़ाई में मैं डालूंगी यहाँ पर घी। इस रेसिपी को बनाने में अगर आप घी यूज करें तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी हेल्दी होती है। वैसे अगर आप कॉन्शस हैं तो आप घी को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने घी को डाल दिया, 1 चम्मच ही डाला है, बहुत ज़्यादा मात्रा मैंने नहीं डाला है, पूरे में फैला लेती हूँ। और यहाँ पर मैं लूँगी यहाँ पर मखाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वैसे मखाने की बहुत सारी रेसिपीज बनती है, फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसे क्वांटिटी बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी पहले डाली थी, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है, तो फिर मैं और थोड़ी सी और भी इसमें घी डालूंगी। तो इसको आपको करना क्या है कि लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है, ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। तो जैसे कुरकुरा हो जाने पर ना हल्का हाथ से तोड़िएगा, 2 उंगली के बीच में रख के, तो टूटती है, तो उस तरह से कुरकुरा कर लेना है आपको मखाने को। तो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया फ्रेंड्स, आप क्वांटिटी बढ़ाकर ले सकते हैं घी की, लेकिन मैंने हल्का सा डाला है, बस मुझे इसको कुरकुरा करना है। तो यहाँ पर देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू भूनते हुए मैंने इसको अच्छे से कुरकुरा कर लिया। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं फिर से ले रही हूँ घी। तो मैंने यहाँ पर एक मतलब बड़े चम्मच से, मान लीजिए कि छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी मैंने ले लिया है, और यहाँ मैंने छोटे कप से दलिया लिया, जिस कप से मैंने दलिया आपको दिखाया था उसी कप से मैंने दलिया लिया है। कप से देखी जाए तो छोटे कप से, चाय वाली छोटे कप से 1 कप है, और इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू भूना है। जब इसकी गोल्डन कलर हो गई है, लाइट गोल्डन कलर आ गई है, तो इस स्टेज पर आपको क्या करना है कि इसमें डाल देनी है दूध। तो दूध की क्वांटिटी आप 2, 3, 4 कप तक ले सकते हैं। अगर रबड़ी जैसी खानी है तो क्वांटिटी बढ़ा कर ले सकते हैं। तो मैंने 3 कप डाला, जिस कप से मैंने दलिया डाला था, तो मैंने उसी कप से मैंने 3 कप दूध डाला है, और उसी कप से जितना मैंने दलिया लिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चीनी डाला है। आप इस रेसिपी को गुड़ यानी जैगरी में भी बना सकते हैं, या फिर मिश्री में भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स जो मैंने इसका खसखस और बादाम का पेस्ट तैयार किया था उसे भी मैंने डाल दिया है, और इस सबको मिलाते जाना है। और इसका अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जिसको दालचीनी पसंद ना हो वो इलायची भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने दोनों डाला है, और इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। चलाने के बाद मैंने लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने दिया था, क्योंकि दलिया भुनी हुई थी और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको लो फ्लेम पर ढककर नहीं पकाने बोलूँ, क्योंकि ये दूध है, जब ढककर पकाइएगा तो ये उफन कर बाहर आएगी। तो आपको लो फ्लेम पर धीमे धीमे पकने देना है, जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी
जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी आपकी दलिया, तो आपको जो आपने जो मखाने को भुने हुए हैं उसे डाल देना है। अगर मखाने को भी सॉफ्ट करना है तो अच्छी तरह से खौला लें, लेकिन मैं इसको सॉफ्ट नहीं करूँगी। मैंने डालकर तुरंत गैस को बंद कर दिया है। थोड़ी सी मैं खसखस जैसी रखूँगी, मतलब कि कुरकुरा रखूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने पसंद की। मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं डाला है, मात्र एक मखाना डाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी बहुत अच्छे से ये दलिया मीठी वाली कि मैंने मखाना दलिया बोल सकते हैं बनकर तैयार हो गई है। चलिए इस रेसिपी को फटाफट से ट्राई कर डालिए, अगली रेसिपी की ओर चलती हूँ फ्रेंड्स। वो भी बहुत ही टेस्टी है, और बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है तो इस रेसिपी को गर्मा गर्म बनाइए। आप इसको गर्म ठंडा किसी भी तरह से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने दूसरी रेसिपी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मैंने छोटे कटोरे में मैंने लिया है दलिया, उसे मैंने बहुत ही मतलब कि कम मात्रा में लिया क्योंकि मैं दो तीन वेराइटी बना रही हूँ कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया पानी में डिप करके। आपको इसको कम से कम 20 मिनट के लिए सोक्ड करना है। और इस दलिया का पहला पानी मैंने धुल कर फेंक दिया था, उसके बाद जो दोबारा मैंने लिया है उसे मैंने पानी में डिप कर दिया था ताकि मैं पानी के साथ ले सकूं। पानी भी मैंने उतना ही डाला था फ्रेंड्स जितनी मैं अच्छे से सोक्ड हो जाए। उसके बाद इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए आपको क्या करना है कि लेना है रवा यानी सूजी। तो मैंने छोटे रेगुलर चम्मच से मैंने यहाँ पर 4 चम्मच सूजी ले लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्च जो पक गई है, तो उसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ डाल दिया है। साथ ही इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा सा अदरक। मैंने उधर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लिया और अदरक भी लिया है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसका आता है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स कितनी गाढ़ी मैंने रखी है। पानी मैंने एकदम थोड़ा सा जो मैंने डाला था इसमें दलिया में उतना ही मैंने डाला था, और सूजी मैंने सूखा डाला है। तो मैं इसे लगभग 10 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये काफ़ी अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये फूलती है मेरी दलिया तब तक मैंने लिया 1 बड़ा सा चम्मच, इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड। तो 2 छोटे चम्मच मैंने रिफाइंड ले लिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी सरसों, तो मैंने पीली वाली सरसों ली है, आप काली पीली कोई भी सरसों ले सकते हैं। तो मैंने छोटे चम्मच से यहाँ पर 1 चम्मच लिया है फ्रेंड्स। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ते के 10-12 पत्ते मैंने डाल दिए हैं। जब इसे चटक गई, तो मैंने चटकाने वाला नहीं दिखाया, जब ये अच्छे से पक जाएगी तो आपको कड़ी पत्ता डालना है, और डालकर इसको तुरंत फटाफट से ट्रांसफ़र कर देना है इस बैटर में, नहीं तो आपकी जो पत्ता है वो जल जाएगी, ग्रीन ग्रीन नहीं दिखेगी। तो इसमें डाल के अच्छे से मिला लेना है। अगर आप इसको सिंपल ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो इसमें नमक डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है फ्रेंड्स। मैं इसको किस चीज़ के साथ खाऊँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा, तो अगर बेकिंग सोडा हो तो बेकिंग सोडा डाल दे, अगर इनो हो तो इनो डाल दे छोटे चम्मच से 2 चुटकी के बराबर, और डाल के फटाफट से मिलाना है। और इनो या फिर बेकिंग सोडा डालने के बाद तुरंत प्रोसेस किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ये छोटे छोटे प्लेट वाली जो होती है अब हम बनाने वाली प्लेट, तो उसे मैंने गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर रखा हुआ था। मैंने हल्का हल्का तेल डाल दिया है, पूरे अच्छे से मैंने फैला दिया है, मतलब रिफाइंड डाला है। अच्छी तरह से फैलाने के बाद आपको छोटे छोटे चम्मच से सभी में डाल देने हैं बैटर। फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है, बच्चे देख कर ही मांग मांग कर खाना शुरू कर देंगे। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की बनी हुई काफ़ी पसंद आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए लो फ्लेम पर मैंने इसे पकने दिया था। जब ये अच्छे से पक जाती है थोड़ी सी कलर चेंज हो जाती है, तो आपको जब कलर चेंज हो जाए तो आपको इस तरह से पलट देना है सभी अपम को, और उसके बाद दोनों तरफ से दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से पकने देना है। जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगी तो आपको इसको निकालना है। निकालने के बाद आपको किसी भी आलू की सब्जी हो, सोयाबीन की सब्जी हो, या फिर गोभी की, मटर की कोई भी सब्जी हो धनिया वाली, उसके साथ आप इसको परोस सकते हैं। और फ्रेंड्स जो छोटे मोटे इधर उधर से निकले हुए उसको आप कट करके हटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर इसको परोसा है सोयाबीन की सब्जी के साथ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, बच्चे इसे ले लेकर खाएंगे। अगर आपको ये पैटर्न पसंद नहीं है तो आप पैन में ही बना सकते हैं। तो पैन में हल्का सा तेल लगा दे, बैटर डाल दे, लो फ्लेम पर पकने दे, आराम से पलट जाती है। उसके बाद अपने ही अगर चिपक जाती है तो चम्मच से छुड़ाएं, उसके बाद पलट दे और लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लें। और आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा तेल लगाया था और इसी तरह मैंने सेका था, बहुत आसानी से पक जाती है और हेल्दी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको सोयाबीन की सब्जी के साथ परोसा है, आप अपने पसंद की किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया फिर से पैन, और इस पैन में मैंने डाला छोटे चम्मच से रिफाइंड डाला है 4 चम्मच, और उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं, अच्छी तरह से लो फ्लेम पर गर्म किया है। ये सारा प्रोसेस इस रेसिपी को बनाने में सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर होगा, हल्के टाइम के लिए जहाँ पर फ्लेम हाई होगा मैं आपको बता दूंगी। फ्रेंड्स लो फ्लेम पर घी को गर्म कर लेना है, उसके बाद डाल देना है आपको दलिया, जो मैंने दलिया दिखाया तो अपने घर के अकॉर्डिंग डाल ले। तो दलिया को मैंने छोटा कप डाला है, अब इसे लो फ्लेम पर मैं कंटिन्यू भून रही हूँ। जब इसकी थोड़ी सी कलर शुरू होगी यानी हल्की हल्की भीनी खुशबू शुरू हो जाएगी, यानी मतलब जब स्टार्टिंग हो जाएगी ब्राउन कलर आने की, तो आपको इसमें ऐड कर देनी है रेगुलर चम्मच से 2 छोटे चम्मच इसमें डाल देनी है सूजी, ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाए और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और सूजी को 1-2 बारी चला लेनी है, क्योंकि घी भी गर्म है दलिया भी गर्म है तो सूजी बहुत जल्दी भून जाएगी। उसके साथ ही उसमें ऐड कर देनी है 2 चम्मच चने का बेसन, ताकि फ्लेवर इसका काफ़ी बढ़ कर आए। उसका तीनों चीज़ों को अच्छा सा भुनना है, तेल गर्म है तो बहुत जल्दी बेसन भी भून जाएगी।
और इसी बीच इसका कलर भी आ जाएगा। जब तीनों चीज़ों की खुशबू बहुत अच्छी आने लगे तो आपको लो फ्लेम पर ही डाल देना है पानी। तो मैंने यहाँ पर दानेदार बनाने के लिए 2 कप पानी डाला है। अगर आप इसे बहुत सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी 4 कप ले लें। और जिस कप से मैंने लिया था दलिया, उसी कप के बराबर मैंने ले लिया है यहाँ पर चीनी। और चीनी डालने के बाद सबको मैंने मिला दिया है। अब इसका फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो 2-3 केसर के धागे दूध में डिप करके रख दें और उसे इस रेसिपी में डाल दें, टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन मेरे पास केसर के धागे अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ऑरेंज कलर थोड़ा सा डाल दिया 1 चुटकी के बराबर। उसके बाद इसका फ्लेवर बनाने के लिए मैंने 2 इलायची डाल दिया है। सभी को मैं लो फ्लेम पर ही प्रोसेस कर रही हूँ। और इसी में और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का पाउडर जो होता है, सूखा नारियल का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला, 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको लो फ्लेम पर इसको कंटिन्यू पकाना है, इसकी पानी को पूरी तरह सुखा लेना है। जब ये पानी पूरी इसकी सूख जाती है तो आपको साइड साइड से यहाँ देख सकते हैं इसमें तेल रिलीज हुई नज़र आ रही है और कलर भी कितनी प्यारी आ गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से पक जाती है तो पतीला छोड़ देती है। मैंने दानेदार बनाया है, आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी और भी डाल सकते हैं। और आप खीर वाली जो रेसिपी मैंने स्टार्टिंग में बनाई और जो मैंने ये वाली रेसिपी बनाई, इस दोनों को गुड़ में भी बना सकते हैं। तो जब दलिया इस तरह से अच्छे से पक जाए, पतीला छोड़ दे, तो आप इसमें अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, मैं इसकी गार्निशिंग में ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मेरी हलवा बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी और थोड़े से मैंने पिस्ता और बादाम से इसको डेकोरेट कर दिया है। आप इसे ट्राई करें, काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आती है ये वाली हलवा, प्लस हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी के बाद मैं चलती हूँ 4थी रेसिपी की तरफ। तो वो भी बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। तो ये मैंने लिया है, यहाँ पर फिर से ले लिया मैंने यहाँ पर दलिया को मैं क्या करूँगी कि इसको भी सोक्ड करूँगी, लेकिन कितने मिनट के लिए, मात्र 10 मिनट के लिए। तो मैंने दलिया को फिर से दिखा दिया आपको। अब इस दलिया को मैं सोक्ड होने के लिए रख देती हूँ मात्र 10 मिनट के लिए। उसके बाद ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, 10 मिनट इसको डालना है। उसके बाद उधर कढ़ाई चढ़ानी है और प्रोसेस करना शुरू कर देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी ये। फ्रेंड्स, इस तरह फुला लेने से रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने दलिया को सोक्ड होने के लिए रख दिया, जस्ट रखा है। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया, फ्लेम को मैंने अभी मीडियम टू हाई रखा हुआ है। और इसमें मैंने डाला 2 छोटे चम्मच रिफाइंड, तो थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया, मुझे कम लग रही थी। तो रेगुलर चम्मच से देखी जाए तो 4 से 5 चम्मच मैंने रिफाइंड डाला है। और 1 चुटकी के बराबर मैंने जीरा डाला है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है इसका। तो जीरा डालने के बाद इसको चटकने देना है। जब ये अच्छे से चटक जाएगी तो आपको एक बड़े साइज का प्याज ले लेना है, छोटे टुकड़ों में कट करना है, लेकिन रफली कट करना है या फिर बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा रफली रखती हूँ क्योंकि इस रेसिपी में थोड़े थोड़े प्याज के पीसेस, थोड़े से और भी पीसेस दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत प्यारी सी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस ही कट किया है चकोर चकोर। तो इसको क्या करना है कि लाइट गोल्डन कलर आने तक भूनना है। तो देखिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट जब हो गई है, थोड़ी सी कलर इसकी चेंज होने लगी है, तो मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है शिमला मिर्च, जो बड़े साइज की होती है ना। तो मैंने आधा शिमला मिर्च को उसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। अपनी जो कटिंग है अपने छोटे बड़े साइज में आप कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब इन दोनों को अच्छे से भूनूंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट भी होने दूंगी, थोड़ी सी अच्छे से प्याज की कलर आने दूंगी। जब इसकी कलर आनी शुरू हो जाएगी तो देखिए गोल्डन कलर थोड़ी सी आने लगी है। तो इस स्टेज पर आपको क्या करना है कि कुछ मसाले ऐड कर लेने हैं। तो मैं इस रेसिपी को बनाने में डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच से मैंने डाला, आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। मैं यहाँ पर अभी लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर। तीनों को डालकर थोड़ा सा मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि मसाले मेरे जले नहीं। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसको मैं कंटिन्यू चलाते हुए पकाऊंगी क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू भून रही हूँ। जब इसकी तेल अच्छे से सेपरेट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत सारी रेसिपी में मैं पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ फिर मसाले डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने पहले मसाला को भूना है फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। सभी को मैंने अच्छे से भून लिया है। जब तेल अच्छी तरह से सेपरेट हो गई है तो मैंने एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसको इसके साथ ही भूनूंगी। मैं इसे सॉफ्ट नहीं करूँगी, बस मैंने डालकर 1-2 बारी चला दी है। और जो मैंने दलिया को सोक्ड होने के लिए रखा हुआ था उसे मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया पानी के साथ। थोड़ी सी पानी और मैं डाल देती हूँ, तो दलिया वाले बर्तन में थोड़ी सी लगी हुई थी तो मैंने पानी उसी में डाल दिया है। तो देखी जाए तो मैंने यहाँ पर रेगुलर जो ग्लास होती है उसे मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। पानी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको सॉफ्ट बनानी है। मैं थोड़ी सी दानेदार रखती हूँ दलिया की कोई भी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अब इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू पकने देना है। तो थोड़ी सी मैं बच्चों के लिए निकालूंगी, तो एक बच्चा मेरे यहाँ गेस्ट आया हुआ है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि बच्चों को तीखा पसंद नहीं आती।
तो अभी मेरे घर में एक बच्चा आया हुआ है जिसके लिए मैं बिना मिर्च वाला बनाऊंगी। अगर आप मिर्च वाला बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में भी पूड़े में डाल सकते हैं मसाले के साथ। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के लगभग देगी मिर्च डाला है फ्रेंड्स। सभी मसाले मैंने बहुत थोड़े थोड़े हल्के हल्के लिए क्योंकि मुझे बहुत इसे हेल्दी बनाना है। तो सभी चीज़ों को डालकर मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे लो फ्लेम पर आराम से पकने दूंगी क्योंकि मैंने 10 मिनट के लिए दलिया को भी फुलाया था। और इसी बीच मैंने थोड़ा सा आलू डाल दिया, बच्चों के मनपसंद चीज़ें होती हैं आलू, तो उबले हुए आलू मैंने डाल दिए। एक बड़े साइज का आलू लिया था जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। अब इसको डालकर अच्छे से पकने देना। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो कंसिस्टेंसी आप देख लें, गाढ़ी पतली जिस तरह की रखनी है उस तरह की आप इसको रख सकते हैं। और ये बच्चे बहुत ही पसंद से मांग मांग कर खाएंगे। इसमें सब्जियां हैं फिर भी वो खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसको अभी जाना नहीं है, अभी इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगी जो इसको और भी सुपर डिलीशियस बनाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको डाल देनी है 1 चम्मच मसाला है मैजिक, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। उसको डालकर इसको मिला देना है, मिलाकर गर्मा गर्म परोसना है। इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस डालना है, मिला देना है और गर्मा गर्म परोसे। परोसते समय आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, घी में लाल मिर्च डालकर उसको तड़का दें और लगा लें। तो मैंने वैसा भी किया था और थोड़ा सादा भी निकाला था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो जब परोसे तो उस पर आधा चम्मच सभी कटोरियों में आधी आधी चम्मच घी डाल दें। बच्चे काफ़ी पसंद करेंगे, प्लस पौष्टिक ही पौष्टिक हो जाएगी ये वाली, बहुत ही पौष्टिक आहार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की चारों वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चारों रेसिपीज को फटाफट से बना डालिए। कौन सी वाली रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, प्लस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स इसी तरह नए नए वीडियोज़ के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी दोस्तों।